دلکش ہے تیری صبح اور حسین ہے تیری شام، اے شہر لکھنؤ تجھے جانے لکھنؤ کا سلام۔ میں آشوتوش چودھری جانے لکھنؤ ٹیم سے آج آپ لوگوں کو دادا میاں کی درگاہ کا نیا ویڈیو مال ایونیو لکھنؤ سے شیئر کر رہا ہوں۔ میرا نام فرحت حسن خان عرف فرحت میاں ہے۔ میں دادا میاں درگاہ خانقاہ کا ویوستھاپک ہوں، اور میں نے چونکہ بہت قریب سے دادا میاں کے بارے میں پڑھا دیکھا، ویسے تو میرا تعلق دادا میاں کا، میں پوتا ہوں دادا میاں کے بیٹے کا بیٹا ہوں، دادا میاں کا پوتا ہوں، انہی کے خاندان سے ہوں، لیکن میرے خاندان کے بھی لوگ، زیادہ تر لوگ آج لکھنؤ میں ہی رہتے ہیں، سب کے یہی مالوینیو میں اپنے مکان ہیں۔ اور ہمارا تو لکھنؤ میں لگ بھگ جب سے دادا میاں لکھنؤ آئے تب سے ہی لکھنؤ کے ہم اور ہمارا خاندان لکھنؤ میں آ کر کے بسا، اور یہیں پہ ہم قیام پذیر ہیں۔ بڑا ہی اچھا لگا کہ آج جانے لکھنؤ کے نام سے جو ایک چینل ہے یوٹیوب پر، اس کے آشوتوش جی میرے ساتھ ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ لکھنؤ کا جو کلچر ہے، لکھنؤ میں جو آج سینکڑوں سالوں سے رہنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، ان سب کے ساتھ ساتھ یہاں جو اتہاس ہے، جو اتہاس کے پنوں میں دب گیا ہے، اسے بھی اجاگر کرنے کی ہمارے بھائی آشوتوش جی نے کوشش کی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ لکھنؤ کے نام سے اپنا ایک چینل ہے، اور آج اسی لکھنؤ میں ہم سرزمین مالوینیو جو کہ لکھنؤ میں ہی ہے، یہاں مالوینیو میں ایک بہت ہی مشہور صوفی بزرگ جن کا نام ہے حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ المعروف دادا میاں، یعنی ان کا اپ نام ہے دادا میاں، ویسے جو ان کا اوریجنل نام ہے وہ نام ہے محمد نبی رضا خان۔ جب وہ برٹش آرمی میں تھے تو اسی نام سے جانے جاتے تھے، محمد نبی رضا خان، تو اکثر انگریز اور ان کے ساتھی لوگ انہیں خان صاحب کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ بات ہے 1900 سے پہلے کی، 1880 کے آس پاس کی۔ تب حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ عرف دادا میاں جب الہ آباد چھاونی میں تھے، اس کے بعد اجمیر شریف کے پاس نصیر آباد چھاونی میں رہے، اس کے بعد آپ کا دکن میں رہے، حیدرآباد میں رہے، اس کے بعد لکھنؤ برٹش آرمی لکھنؤ میں بھی رہے، لگاتار جگہ جگہ فوج میں رہنے کے اپرانت
जब दादा मियाँ का दुनिया से मोह भंग होने लगा तो अक्सर आप एकांत में जा कर के बैठ जाया करते थे। उस एकांत में एक जगह ये भी है, लखनऊ की ज़मीन, जहाँ दादा मियाँ का आज मज़ार शरीफ मौजूद है। जहाँ ये मज़ार शरीफ है, अक्सर दादा मियाँ अपनी हयात में आकर के यहाँ बैठा करते थे और लखनऊ के लोग उनसे यहीं अक्सर मिलने आया करते थे। पुरजवार के लोग भी उनसे इसी जगह मिलने आते थे। दादा मियाँ अक्सर यहाँ की मिट्टी उठाकर लोगों को दिया करते थे कि देखो देखो इसमें कितनी खुशबू है, कितनी खुशबू है। तो उस समय तो लखनऊ के लोग ये बात नहीं समझ पाते थे कि दादा मियाँ कहना क्या चाहते हैं। लेकिन इसके बाद दादा मियाँ ने फ़ौज की नौकरी छोड़ दी और चले गए कलकत्ता नवाब ठाका के यहाँ। नवाब ठाका के यहाँ फाइनेंस विभाग उनका पूरा देखने लगे। तब वहीं पर दादा मियाँ के गुरु आपके पीरो मुर्शिद हज़रत मौलाना अब्दुल हई शाह साहब चटगामी, जो कि बांग्लादेश चटगांव में मौजूद है, दरगाह शरीफ उनकी मज़ार शरीफ और खानकाह, वहाँ से अक्सर कलकत्ता नवाब सर सलीमुल्ला खां के यहाँ तशरीफ़ लाया करते थे। और हज़रत भी वहीं क़याम पज़ीर थे, चूँकि वहीं नौकरी करते थे, फाइनेंस विभाग देखते थे नवाब साहब का। एक दिन अचानक फज्र के वक्त नमाज के बाद आपके पीरो मुर्शिद बैठे हुए दुआ मांग रहे थे, तभी आपको महल जो था नवाब सर सलीमुल्ला खां का महल लरसता हुआ नज़र आया। तो आपने वहाँ नमाज पढ़ने के बाद, दुआ के बाद, नवाब साहब से जब नाश्ते पर मुलाकात हुई आपकी, तो आपने पूछा क्या यहाँ कोई और बुज़ुर्ग भी ठहरे हुए हैं? तो नवाब साहब ने फरमाया कि नहीं हज़रत, यहाँ बुज़ुर्ग तो नहीं, लेकिन एक ख़ान साहब हैं रामपुर के। वैसे तो वो लोग अफ़गानिस्तान पेशावर से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन अब वो लोग रामपुर में रहते हैं, उनके पूर्वज, और वो लोग वो मेरे यहाँ फाइनेंस विभाग देखते हैं। तो आपने उसी समय अल्लाह ताला से हाथ उठाया और दुआ मांगी कि या अल्लाह, खान साहब को तू मुझे अता कर दे। तभी आसमान और ज़मीन में एक लर्जिश पैदा हुई और दादा मियाँ चूँकि उस समय कसरत कर रहे थे ऊपर, तो आपको वहाँ पर अचानक अजीब सी कैफियत तारी हुई आप पर। तब आप उसके बाद जब नीचे आए और आपके पीरो मुर्शिद ने आपको देखा, मैं एक चीज़ यहाँ बताना थोड़ा सा मुनासिब समझूंगा कि जब आपके पीरो मुर्शिद हज़रत अब्दुल हई शाह चटगामी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो कि लखनऊ दारुल फिरंगी महल, आपके पीरो मुर्शिद जो थे आपके गुरुजी, वो दारुल उलूम फिरंगी महल से पढ़ाई भी आपने की थी यहीं, और यहीं आप टीचर भी रहे थे। तो आपने हाथ उठाया और दुआ की, या अल्लाह, खान साहब को मुझे अता कर दे। जो शख्स अपनी जिस्मानी ताकत से इस महल को हिला सकता है, इस बिल्डिंग को हिला सकता है, वो रूहानी ताकत से पूरी दुनिया को हिला देगा। तभी दादा मियाँ अपनी कसरत ख़त्म करके नीचे तशरीफ़ लाए और नाश्ते पर हजरत से मुलाकात हुई, और बस एक नज़र आपने अपने पीर साहब को देखा और बस अजीब सी कैफियत आप पर तारी हो गई। उसके बाद आप वहीं हजरत अब्दुल हई शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से बैत हो गए, और उसके बाद हज़रत अब्दुल हई शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो थे वो चटगांव शरीफ बांग्लादेश वापस चले गए अपने गांव। आपके गांव का नाम मिर्ज़ा खेल है और सतकन्या के नाम से जाना जाता है वो इलाका, वो चटगांव बांग्लादेश में है। आप वहां तशरीफ़ ले गए, लेकिन दादा मियाँ से रुका ना गया, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद नबी रज़ा शाह अलमारूफ दादा मियाँ से रुका ना गया, और आपने भी वहाँ से नवाब सर सलीमुल्ला खां से कहा कि अब हमारी नौकरी का वक्त ख़त्म हो गया है, अब हमें आप इजाज़त दें। और वहाँ से इजाज़त लेकर के
आप सुंदरबन के जंगल में, कलकत्ता कलकत्ता और बांग्लादेश के बीच में ये जंगल है, सुंदरबन का जंगल। दादा मियां लगातार 14 साल उस जंगल में रहे, घास फूस और पत्ते खा करके आपने उसका पानी पी करके इबादत और रियाजत में गुजारे। उसके बाद फिर आप बांग्लादेश चटगांव शरीफ पहुँचे अपने पीर मुर्शिद के पास। आपके पीर मुर्शिद ने आपको खिलाफत और इजाज़त अता की और आपको फरमाया कि खान साहब, हम आपको लखनऊ देते हैं जो उत्तर प्रदेश का दिल है, हम आपको लखनऊ देते हैं जो उत्तर प्रदेश का दिल है। तो दादा मियां वहाँ से इजाज़त लेकर के सीधे लखनऊ तशरीफ लाए। लखनऊ आने के बाद पहली बार यहाँ एक सदर बाज़ार कैंट में मस्जिद है, अखन खां की मस्जिद, आपने उसी में अपना बिस्तर लगाया और वहीं इबादत करने लगे। लेकिन चूँकि आप कैंट में रहे थे इसलिए आप इस जगह से वाकिफ थे जहां आपका मज़ार शरीफ है आज, ये जंगल हुआ करता था, तब आप अक्सर आकर यहां बैठा करते थे जब फ़ौज में थे। फिर जब आप मस्जिद में आके रहने लगे तब भी लगातार यहां आते थे, असर और मगरिब के दरमियान दादा मियां हमेशा यहीं रहते थे और जो उनसे लोग होते थे उनके मिलने वाले वो उनसे यहाँ मिला करते थे। क्योंकि उस ज़माने में ज़मींदार लोग थे, राजा लोग थे, नवाब लोग थे, तो दादा मियां के ये सभी लोग यहाँ शिष्य थे, मुरीद थे। तो अक्सर जो सदर के और लखनऊ के गरीब लोग थे वो दादा मियां से उन लोगों के घरों पर नहीं मिल पाते थे, इसलिए दादा मियां आकर के इस ज़मीन पर बैठा करते थे। यहाँ एक बाग हुआ करता था, अमरूद का बाग। तो नवाब साहब ने दादा मियां के लिए एक छोटी सी मस्जिद यहीं बना दी इबादतगाह के लिए उनके, जिसको कि छः मीनारा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। हज़रत नबी रज़ा शाह रहमतुल्लाह अलैह दादा मियां एक बार उनकी दावत डालीगंज में एक साहब के यहाँ हुई। उनके यहाँ आप जा रहे थे तो आपके मुरीदीन आपके साथ थे, लालटेन लेके चल रहे थे तो लालटेन बुझ गई। तो इत्तेफाक था कि गोमती क्रॉस कर रहे थे सब लोग, तो आपके मुरीद ने कहा, हुजूर लालटेन बुझ गई है। आपने फरमाया कि गोमती से पानी ले लो, और आपने कहा गोमती से ले लो। उनके मुरीद ने उनके हुक्म के मुताबिक गोमती से पानी लिया और लालटेन में डाल दिया और लालटेन फिर जला दी। आप गए डालीबाग डालीगंज, वहाँ दावत खाई, उसके बाद आप वापस आ गए। उन मुरीद का फरमाना है कि ये लालटेन एक हफ्ते तक लगातार जलती रही। चूँकि ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, दादा मियां का विसाल 1909 में हुआ है, अभी कुल 110 साल ही गुजरे कि दादा मियां नाम कैसे पड़ा। दादा मियां के ने चूंकि सिलसिले का काम और शिष्य बनाने का काम केवल 5 साल ही किया, तो आपके मुरीदीन की तादाद बहुत कम थी, खलीफाओं की तादाद ज्यादा थी। तो आपके खलीफाओं के जो मुरीद थे वो जब आपके पास आया करते थे, क्योंकि गुरु भाई जो होता है, गुरु जो होता है वो बाप की तरह होता है, तो आपके जो शिष्य थे उनके जो शिष्य थे तो उनके आप दादा हुए। इस तरह से उस ज़माने में ही दादा मियां को लोग दादा मियां कहने लगे, जबकि आपका पूरा नाम मोहम्मद नबी रज़ा खां है। और जब आप सिलसिले कादरिया चिश्तिया अबलुलाया जहांगीरिया में बैतो खिलाफत से नवाजे गए तब आपका नाम के आगे हज़रत ख्वाजा मोहम्मद नबी रज़ा शाह हो गया आपका नाम। तब से दादा मियां को लोग हज़रत ख्वाजा मोहम्मद नबी रज़ा शाह उर्फ़ दादा मियां के नाम से ही जानते हैं। दूसरे दादा मियां हज़रत ख्वाजा मोहम्मद नबी रज़ा शाह रहमतुल्लाह अलैह, लखनऊ को ही आपने क्यों पसंद किया, इसकी भी एक वजह है। यहाँ
एक बुजुर्ग हैं चौक में, हजरत शामीना शाह रहमतुल्लाह अलैह। आपने यहाँ से दूर अवध में एक रुदौली शरीफ है फैज़ाबाद में, वहाँ मखदूम पाक की दरगाह है। तो आपके पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि मखदूम पाक रुदौली शाह, रुदौली वालों जो शाह मखदूम पाक हैं, उनका उनकी इमा पे उनकी मशवरे से और शामीना शाह रहमतुल्लाह अलैह के मशवरे से आपको लखनऊ में ही रहना होगा। तब दादा मियाँ ने लखनऊ में ही अपना क़याम किया। यही कैंट में चुन्ने नसीर खां एक हुआ करते थे ज़मींदार, उन्हीं के घर पे दादा मियाँ रहते थे और रोज़ाना असर मगरिब के बीच में आकर इस ज़मीन पर बैठा करते थे। चूँकि लखनऊ में शाइस्तगी है, लखनऊ में बोल चाल का बहुत अच्छा सलीका है, लोगों को तब लोग ये बात नहीं समझ पा रहे थे कि दादा मियाँ ने लखनऊ क्यों चुना है। लेकिन आज ये बात समझ में आती है कि पूरी दुनिया में जो भी लोग इस तरीके की टोपी लगाए हों और लुंगी कुर्ता, कंधे पर रुमाल, दाढ़ी बड़ी हुई, लांबे बाल, हाथ में छड़ी कान पहने हूँ लिए हूँ, आप ये मान लीजिए वो दादा मियाँ के ही किसी ना किसी शाख के मुरीद हैं और उनकी जड़ में दादा मियाँ हैं। इसीलिए लखनऊ को मरकज़े सूफिया भी कहा गया है। दादा मियाँ के मानने वाले लखनऊ को मरकज़े सूफिया के नाम से भी जानते हैं। आज दादा मियाँ के मानने वालों की तादाद पूरी दुनिया में, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, रशिया, अमेरिका, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, दुबई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ तक के श्रीलंका और आपका साउथ अफ्रीका, जगह जगह दादा मियाँ के शाखों, जो शाखें हैं उनके खुलफा जगह जगह मौजूद हैं और वो सिलसिले का काम कर रहे हैं। अगर दादा मियाँ के, हज़रत ख्वाजा नबी रज़ा शाह उर्फ दादा मियाँ के मानने वाले अगर एक साथ एक वक्त ये टोपी लगा लें और लखनऊ आ जाएं, तो लखनऊ में पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। अस्सलाम वालेकुम। दादा मियाँ की दरगाह पे हम 10 सालों से आ रहे हैं। यहाँ पे हमारी सारी जितनी भी मुरादें हैं वो सारी पूरी हुई हैं। हम यहीं लखनऊ में सदर से हैं और हम कई सालों से यहाँ पे आ रहे हैं। मेरा नाम कमलेश शाह है। मैं यहाँ पर बचपन से, 29 साल हो गए मुझे लखनऊ में रहते हुए। मेरे पिताजी भी यहीं सरकारी नौकरी करते थे। दादा मियाँ के रहम से ही उनको सरकारी नौकरी यहाँ पर मिली। उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग हैं। मेरी शादी यहीं लखनऊ में पूरन चंद शाह, ये मेरे पति हैं। ये मेरी बेटी है वैष्णवी कुमारी। मेरे पति पूरन चंद शाह सचिवालय में नौकरी करते हैं। ये मेरा बड़ा बेटा है पीयूष कुमार। ये छोटा बेटा है प्रियांशु। कभी भी कोई दिक्कत परेशानी होती है दादा मियाँ के रहम से सारी दूर होती है। हर परेशानी में हम लोग यहीं माथा टेकते हैं और इनकी दुआ से हमारी हर परेशानी दूर होती है। मेरा छोटा भाई है, वो भी सचिवालय में है। उसके बेटे ने तो बोलना बंद कर दिया था। उसका छोटा बेटा था, वो दादा मियाँ की रहम से उसकी आवाज़ आई। वो यहाँ पर वो लोग भी आते हैं जबकि रहते सीतापुर रोड में हैं। हमारे घर की जितनी भी दिक्कतें आती हैं तो हम हर मुसीबत में दादा मियाँ को ही याद करते हैं। दादा मियाँ ने ही हमारे मकान बनाया, हमारा हमारी हर समस्या का समाधान किया। कोई उर्स ऐसा नहीं होता जिस उर्स में हम माथा टेकने के दादा मियाँ के मज़ार पे नहीं आते। तो बस यही है हमारे छोटा सा परिवार और हमारे दादा मियाँ के लिए साथ। धन्यवाद। हमारा नाम सुफी इजार अहमद है। हम यहाँ के लंगर इंचार्ज हैं और आने वाले जायरीन की हर चीज़, हर तरीके से लेखा जोखा और जो भी हिसाब किताब है वो सब हमारे हाथ में है और उनकी खिदमत करना हमारा काम है।